हे वेलकम टू डीनोस साइकोलॉजी फाइकोलॉजी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक में बात होने वाली है। ये कुछ ही सालों में आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि लोग ज्यादातर यूट्यूब में या फिर कई और वेबसाइट्स में लोगों जो ज्यादा अमीर है या फिर जो ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, ज्यादा स्पेंड करते हैं, लाइक मिस्टर बीस्ट, उन लोगों की वीडियोस ज्यादा देखी जाती है। तो आज की वीडियोस में हम लोग यही बात करेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों लोग ज्यादातर ऐसे वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपने पैसा खर्चा करने की गुजारिश दिखाते हैं, या फिर ऐसे लाइफस्टाइल वीडियोस पर लोग ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। पूरे वीडियो में मैं साहिल खान और कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की मैं एग्जांपल दूंगा, तो अच्छे से समझना, पूरा वीडियो देखना, सिर्फ कुछ ही मिनट चाहिए मुझे आपके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमें इस तरह की वीडियो देखने में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा लगता है हमें देखने में। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या ये डेंजरस है और इससे हमें बचना कैसे चाहिए। तो तीन पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक स्टैटिस्टिक्स बता देना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि सर्वे करने पर ये पता चला है कि इस तरह की जो लाइफस्टाइल और रिच वीडियोस होते हैं ये ज्यादातर 17 से लेकर 30 साल के उम्र के लोग देखते हैं, और ये ज्यादातर वैसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की एक स्टेबल इनकम नहीं हुई है या फिर जॉब लाइफ में नए हैं और एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो है जिसकी वजह से ऐसा होता है वो है क्यूरियसनेस। जी हाँ, क्यूरियसनेस। हम इंसान नॉर्मल लाइफ में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं और फैसिनेटेड रहते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जैसी होती है वैसी है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि दूसरों की चीजों को देखकर जो हमसे ज्यादा अच्छा है उसे हम पाने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर हम लोग नहीं भी पा सकते तो उसके बारे में सोचना बहुत ही अच्छा लगता है हम। तो उसी एक रीजन की वजह से जब हम लोग टीवी या फिर यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस देखते हैं, रिच लाइफस्टाइल वाले वीडियोस, बड़े बड़े होटल्स में वाले वीडियोस, बड़े बड़े बीचेस में जाके, प्राइवेट आइलैंड्स में जाके जब लोग खर्चा करते हैं, तो उस तरह की वीडियोस देखने में हमें मजा आता है, क्योंकि हमें भी वो सब चीज एक्सपीरियंस करनी है। भले ही रियल लाइफ में हम लोग वैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस तरह के वीडियोस देख के कम से कम हम लोग इमेजिन कर सकते हैं और उनकी तरह जीने के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताया, 17 से 30 साल की उम्र के लोग इस तरह के वीडियोस ज्यादा देखते हैं। तो क्या होता ना, ये एक ऐसा एज है जिस वक्त हम लोग अपने एडुकेशनल लाइफ खत्म करके रियल लाइफ काम करने के लिए घुसते हैं, तब हम बहुत यंग होते हैं और बहुत एनर्जेटिक होते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। तब इस टाइप की वीडियोस देख के हमें लगता है कि काश फ्यूचर में भी हमारी इस टाइप की लाइफ हो, और यही एक वन ऑफ द रीजंस है कि आज की यूथ फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस एज वेल अ लाइफस्टाइल वीडियोस उनको इंस्पायर करते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, रोल्स रॉयस खरीदने के लिए और काफी सारे पैसा कमाने के लिए। आप अगर साहिल खान को देखोगे ना, ही इज नॉट ओनली अ फिटनेस ट्रेनर, ऑब्वियसली लड़कों के लिए ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिटनेस ट्रेनर इन इंडिया, बट ऑल्सो रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल के बारे में भी व्लॉग करना स्टार्ट किया। वो दुबई जाते हैं, अलग अलग जगहों में जाते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में रहते हैं, उनका खुद का प्रोडक्ट का ब्रांड है जो वो मार्केट करते हैं, और बॉयज लड़के उनको देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। सेम लाइक डैन ब्लजेरियन जो यूएसए में रहने वाले हैं, आपने श्योर डैन ब्लजेरियन का नाम तो सुना ही होगा, है ना। जितना ज्यादा हम इस तरह के वीडियोस को देखते हैं उतना ज्यादा हमारे दिमाग में ये इफेक्ट होता है कि फ्यूचर में हमें भी ऐसा बनना है, और भी ज्यादा हमें ये और भी वीडियोस देखने में इंस्पायर कर देती है। ट्रस्ट मी, जिसकी वजह से व्लॉगिंग चैनल और इस तरह के लाइफस्टाइल चैनल में सबसे ज्यादा पैसा है आजकल यूट्यूब में। अगला जो दो नंबर पॉइंट है हमारा वो है फैसिनेशन। जी हाँ, ये क्या है, ये बात तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि इस तरह के जो लाइफस्टाइल वीडियोस होते हैं, व्लॉगिंग वीडियोस होते हैं, ये ऑलरेडी वो लोग करते हैं जो एक फेमस पर्सनैलिटी होती है, उनको ऑलरेडी लोग पहले से जानते हैं। इसीलिए आप व्लॉगिंग चैनल में देखोगे बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द व्लॉगिंग चैनल्स ये ऑलरेडी वही चैनल्स हैं जिनको लोग पहले से जानते थे, या फिर उनका यूट्यूब में ऑलरेडी अलग सा एक एस्टेब्लिश चैनल है, या फिर वो लोग टीवी में या मूवीज में काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट की चैनल अगर आप देख लो तो उसमें काफी सारे उसने अपने खुद के ब्लॉग्स के बारे में भी बताया है, उसने अपने खुद के रियल लाइफ के बारे में भी बताया है, और उसमें हजारों हजारों में व्यूज भी है। इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी को अच्छे से समझ लेते हैं और जान लेते हैं ना, तब हमारे अंदर एक फैसिनेशन से हो जाता है, इच्छा हो जाती है कि उसके हम पर्सनल लाइफ के बारे में भी जाने, उसके हम लोग अंदर की बातें जाने, वो क्या करना पसंद करती है, उसे क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, इस तरह की चीजें जानने में हमें बहुत ही इच्छा होती है, जिसकी वजह से ये लोग व्लॉग वीडियो जब भी बनाते हैं तभी हजारों मिलियंस मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली रिलीज किए जाने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स। जी हाँ, गंदी रेटिंग दी है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी फिर भी इसकी व्यूअरशिप थी। वो इसलिए क्योंकि गर्ल्स जो थी, लेडीज जो थी, वो इस तरह की
रिच लाइफ को देखना पसंद करेगी, क्योंकि पहली बात ये जो वाइफ्स दिखाई गई है बॉलीवुड की, ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज की वाइफ्स है, और इन लोगों ने अपनी सीरीज को टारगेट ही किया है वुमेन को, लड़कियों को। जी हाँ, इसलिए लड़कियां इस तरह की सीरीज ज्यादा देख रही थी, इसलिए कुछ लड़कियों को ये सीरीज पसंद आई कि नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन जरूर इन लोग लड़कियों ने उनको देखा है, क्योंकि इस तरह की जो फेमस पर्सनालिटीज की वाइफ है, ये शो की जो रिचनेस है, बड़े बड़ी अमीर वाइफ्स की रिचनेस है, वो लड़कियों को इंस्पायर कर रही थी ये सीरीज देखने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो हॉलीवुड वाइफ्स वाली जो सीरीज है, ये 2007 में रिलीज किए जाने वाली हॉलीवुड में कीपिंग अप विद द कार्डशियंस का एक सस्ता कॉपी है। जी हाँ, और उस वक्त यूएस में भी कीपिंग अप विद द कार्डशियंस को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उसके वुमेन व्यूअरशिप बहुत ही ज्यादा थी, भले ही उसके आईएमडीबी रेटिंग बहुत कम है, लेकिन लड़कियों को कार्डशियंस को देख के बहुत ज्यादा एक इंस्पिरेशन फील हुआ और वो कार्डशियंस की तरह बनना चाहती थी, और इसी वजह से इस तरह की वीडियोज लोगों को इंस्पायर करती है। तीसरा रीजन और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो है, इट्स ऑल अबाउट मनी। मनी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, ये हम सबको पता है। पूरे दुनिया में सारे इंसान अमीर होना चाहते हैं, कौन अमीर नहीं होना चाहता, और यही पैसे वाला फैक्टर मेन रीजन है कि लोग ज्यादा से ज्यादा ये सब शो और यूट्यूब में ये सब वीडियोस देखते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि ये आपके अंदर एक ग्रीड पैदा कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हर्षद मेहता स्कैम 1992 सीरीज, जो अभी रिसेंटली सुपरहिट हुई है। इसमें क्या हुआ देखो, अभी सीरीज इतना हिट हो गया है, प्रतीक गांधी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि लोग हर्षद मेहता को एक हीरो समझने लगे। हालांकि डेफिनेटली वो एक बहुत ही स्टॉक मार्केट के जीनियस थे, लेकिन फिर भी ये बात लोगों को, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उन्होंने गलत काम किया था, लेकिन फिर भी ये शो लोगों को इतना पसंद आ गया और प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस इतना पसंद आ गया लोगों को कि अभी हर्षद मेहता सबके लिए एक हीरो हो गए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है, और ये सिर्फ स्कैम 1992 के लिए नहीं है, बल्कि हॉलीवुड में भी रिलीज की जाने वाली कई सारी मूवीज है, लाइक नार्कोस, पैब्लो एस्कोबार, लाइक कई सारे गैंगस्टर मूवीज और सीरीज निकलते हैं। इंडिया में भी मिर्जापुर देख लो, इस तरह की शो आपके दिमाग को किस तरह से चेंज करती है, वो ऐसे कि आपको उन कैरेक्टर के अंदर घुसने का मौका मिलता है और आप उन कैरेक्टर के को सोच के आप जीने लगते हो उनके तरह, पर जिसकी वजह से अगर वो कैरेक्टर नेगेटिव भी हो, गंदा काम भी कर रहा है, तो आपको वो अच्छा लगने लगता है। इसीलिए ये जो जितने भी है, हर्षद मेहता हो गए, मिर्जापुर में कालीन भैया हो गए, या फिर नार्कोस में पाब्लो एस्कोबार हो गए, गंदे काम करके पैसा कमाया, फिर भी लोगों के दिमाग में इनका एक हीरो वाला चेहरा बस गया है, और इसी रीजन की वजह से ये एक डेंजरस चीज भी है। तो ये तो हो गई हमारी तीन पॉइंट्स जिसकी वजह से इस तरह की वीडियोस हमें इन्फ्लुएंस करती है, राइट? लेकिन अब आप जानते हैं क्या इस तरह की वीडियोस देखना डेंजरस है और इससे बचने के तरीके क्या है। तो इसके सिंपल अगर मैं आंसर दूं तो ये है कि टू सम एक्सटेंट, एक लिमिट तक ये ठीक है, और अगर उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो ये डेंजरस हो सकता है। इसको इस तरह से समझो, अगर एक लिमिट तक, ये जो लिमिट है ना, ये एंटरटेनमेंट का लिमिट है। अगर आप उस तरह की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो और बस टाइम पास के लिए देख रहे हो, तब वो ठीक है, लेकिन तभी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है जब आप उस कैरेक्टर को अपने मन में समा लेते हो और अपने आप को उस कैरेक्टर के हिसाब से इमेजिन करने लगते हो, तब वो डेंजरस है, जैसे मैंने तीसरे पॉइंट में बताया था, ग्रीड। और ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको भी पता है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, भले ही वो दूसरों के लिए गंदा हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये होता है ना, जब आप उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में बसा लेते हो, तब वो कैरेक्टर कितना भी गंदा काम करके पैसा कमाए, लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन क्योंकि आप उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो अपने को, आपको वो चीज अच्छा लगने लगेगा। और इसी रीजन के वजह से, जैसे मैंने बताया, हर्षद मेहता हो, पाब्लो एस्कोबार हो, ये लोगों के लिए एक हीरो टाइप के हो गए थे। तो अब आप पूछ सकते हो कि भैया इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इस तरह की वीडियोस देखें भी लेकिन ये हमारे दिमाग में इफेक्ट ना करे और ये ग्रीड में ना बदल जाए। तो इससे बचने का मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि इस तरह के वीडियोस को आप अपनी आदत में ना डालें। जी हाँ, देखिए, जरूर जरूर देखिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसकी आदत लगा देते हो देखने की, तब वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, उस इंसान की इमेज आपके दिमाग में छप जाती है और आप उस इंसान को अपने आप के हिसाब से इमेजिन करने लगते हो। लेकिन इस तरह की वीडियोस काफी एंटरटेनिंग भी होती है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ और सभी लोग देखते हैं, और काफी सारे मजा भी आता है आपको इस तरह की वीडियोस देखने में। और इसका एक और प्लस पॉइंट है, अगर आप यूट्यूबर हो स्पेशली, क्यों, आपको पता होना चाहिए कि आजकल ब्लॉगिंग में और इस तरह के लाइफस्टाइल वीडियोस में सबसे ज्यादा पैसा यूट्यूब में दे रही है और ब्रांड इसमें पैसा लगा रही है। तो ये अगर इनकम के तौर से बहुत ही अच्छा चीज है, और अगर आपको घूमना पसंद है, फिरना पसंद है, तो फिर डेफिनेटली आपको ये ब्लॉगिंग और ये सब चीज ट्राई करनी चाहिए।
तो ये तो थी आज की हमारी साइकोलॉजी फाइकोलॉजी की पहली एपिसोड की टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे लाल बटन जाके दबा देना, शेयर कर देना वीडियो को और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट रहती है, मजेदार सवालों के मजेदार जवाब। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।